आपके राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विवक कुमार पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। सुबह करीब 9:30 बजे सीएम हाउस से मालीवाल ने पीसीआर कॉल की थी। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि कॉलर ने अपना नाम आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का पीए विवक कुमार पीट रहा है। ये कॉल सीएम हाउस से की गई। पुलिस को पीसीआर पर ऐसे 2 कॉल आए। इसके बाद दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची। हालांकि मौके पर स्वाति नहीं मिली। जब पुलिस सीएम हाउस पहुंची तो स्वाति मालीवाल वहां से जा चुकी थी। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती है। पीसीआर कॉल की सच्चाई क्या है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। ऐसे में स्वाति अगर शिकायत देती है तो पुलिस केजरीवाल को भी मुकदमे में आरोपी बना सकती है। जो एलिगेशन हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, स्वाति मालीवाल जी ने जब पीसीआर कॉल की है तो उन्होंने बताया है कि मैं इस समय मुख्यमंत्री के घर पर हूँ। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके ओएसडी विभव कुमार ने मेरे साथ अभद्रता की है, बदतमीजी की है, मारपीट की है। ये सेंटेंस स्वाति मालीवाल जी का ऑन रिकॉर्ड है। स्वाति मालीवाल जी जब ये इस तरह से कॉल करके अपनी रक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को बुला रही है तो ये हैरानी नहीं शर्मनाक विषय है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक दिल्ली की महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम दिल्ली की महिला अपनी किस सुरक्षा की उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर सकती है। देश अब अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा देख चुका है कि वो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं और जनता के सामने झूठे वायदे करते हैं और उनकी पार्टी की महिला नेत्री और राज्यसभा सांसद की पिटाई अगर उनके घर में होती है, परिवार करवाता है, पार्टी करवाती है, पीए करता है, कौन करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जांच होनी चाहिए। तो वहीं अब बीजेपी पे भी हमलावर हो गई है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की तेज तरार नेता है। उन्हें इसी साल पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। इससे पहले वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर बेहद सक्रियता से काम करती रही। स्वाति आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रही। वो अन्ना आंदोलन के दौरान से ही अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में शामिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अब तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है।